हाय गाइस, हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टॉपिक मैं ऐसे चुनता हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल कि आसानी से आपको समझ में आ सके, और वैसे ही आज का जो टॉपिक है मैं उस पर आपको बताने जा रहा हूँ कि भैया हम ऑलरेडी जो है एक विनिंग टीम का हिस्सा हैं। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि यहाँ पर कई बार हम जो जीरो फाउंडिंग है मेंबर या जिनका सिंगल है, हमारे साथ कोई नहीं है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम किसी को इनविटेशन नहीं किया है, मतलब हमने किसी को यहाँ पर लेकर के नहीं आए और पैसे में किसी को रेफरल नहीं किया है, और यहाँ पर जिन लोगों ने रेफरल किए थे उन्हें यहाँ पे बेनिफिट है, तो ये क्या MLM जैसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कितनी मेहनत होती है, कितने एफर्ट्स होते हैं, उसके बाद में एक अच्छी टीम तैयार होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए जब भी एक विनिंग टीम होती है, मान के चलिए हम एक क्रिकेट के एग्जांपल से ले लेते हैं, जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है, तो वर्ल्ड कप जब भी जीतती है, या क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, तो एक बंदे के दम पर नहीं जीता जा सकता है, उसके लिए बहुत सारी टीम एफर्ट्स होती है। अब इसमें पार्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर पार्ट होते हैं, मेन तो कोच होता है, ओके, हमारा जो मैनेजमेंट होता है पीछे का वो तो होता ही है, लेकिन इसके बाद में इंपॉर्टेंट होता है जो 11 प्लेयर खेलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ही लें, फुटबॉल या क्रिकेट की बात ले लें, तो यहाँ पर 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन टीम जो होती है असल में 14 या 16 लोगों की टीम होती है, और बाकी के जो लोग होते हैं उन्हें कभी चांस मिलता है तो भैया वो खेलने के लिए आ जाते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, मौका मिलेगा तो खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेल पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो विनिंग टीम का हिस्सा नहीं है। भाई अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है, इसमें जो विनिंग टीम का हिस्सा बाकी के लोग भी माने जाएंगे, जो सिर्फ 11 प्लेयर खेले थे वही नहीं, बल्कि जो दूसरे प्लेयर हैं, जो बाकी के 6-7-8 लोग जो बच रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा माने जाएंगे, उसका एक पार्ट माने जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, देखिए देना जरूरी था एग्जांपल, कई लोगों के मन में ये डाउट है कि यार यहां पर हम कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपना यहां पर जो है कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमें बहुत लेट हो गया। देखिए ऐसा कभी मत सोचिएगा, जब भी कोई टीम विन होती है, विनिंग प्राइस जो है सभी के लिए होता है। विनिंग प्राइस भी का एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल लूंगा, क्योंकि भाई विनिंग प्राइस जो भी मिला है वो सबको यहाँ पे दिया जाता है, और वहां पर डिसाइड किया जाता है भाई किसको कैसे देना है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस को ये लोग करते हैं, वो कोई मैन ऑफ द मैच होता है, उसे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही हम उन पैसिव के बारे में अगर बात करते हैं, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की है, तो 100% उन्हें यहाँ पे अलग से कुछ प्राइज होगा, विनिंग प्राइज उन्हें भी कुछ डेफिनेटली यहाँ पे 100% विनिंग प्राइज होगा, परफॉर्मेंस बोनस भी उन्हें मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी उन्हें मिलेगा। तो कई लोगों के मन में सवाल होगा कि यार उससे ज्यादा मुझे कम क्यों, इतना क्यों, इतना क्यों नहीं। यहाँ पर आपका जो है पार्ट बने रहना, एक टीम का पार्ट बने रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो यहाँ पर टीम है वो सिंगल एक टीम है, वो है ऑन पैसिव टीम। वो ऑन पैसिव टीम चाहे फाउंडिंग मेंबर्स की हो, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट की हो, चाहे हमारे बैक एंड पर जो लोग काम करें, सभी लोगों की यहाँ पे जो है एक टीम है, जिसमें हमें सिर्फ विन ही होना है। इसलिए हमारा जो स्लोगन भी है इन इट टू विन इट, ये शुरू से इस बात को जो लोग समझ गए हैं कि भाई आप अगर इन कर गए हैं तो ही आप यहाँ पे ऑलरेडी विनर हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अपने पैकेज बाय किए थे सही टाइम पे सही वक्त पे, उन्हें यहाँ पर डेफिनेटली बोनस वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ पे मिलना है। यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप जो है यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस किए थे या नहीं किए थे, आप यहाँ पर जस्ट इन हुए थे, आपने अपने पैकेज बाय किए, आप यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर बने थे, उसका जो है रोल खत्म हो जाता है। अब जो प्रोसेस है कैसे यहाँ पर आपको विनिंग प्राइज देने हैं, यहाँ पर किस लोगों को कहां पर क्या चीजों में जो इन्वॉल्व करना है, कैसे पे स्ट्रक्चर के हिसाब से सारी चीजें आपको यहां पे मिलेगी, तो ये जो है बैकएंड पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मार्क है काफी लोगों के मन में अभी भी आ रहा है कि यार सर क्या होगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं, काफी टाइम हो गया है, मैंने इस दिन पैकेज बाय किया था उसे शायद पहले मिल गया, मुझे बाद में बोनस मिले, ऐसा तो नहीं है। यहां पर जो भी चीजें हैं हमारे लिए किया जा रहा है, मिस्टर ऐश मुपारे यहां पर कर रहे हैं, यहां पर ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करना है फ्यूचर में डेफिनेटली, तो यहां पर आपको एक बड़ी सोच के साथ में रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, और यहां पर हर चीजों को प्रॉपर अपडेट लेकर के आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी विनिंग टीम जो है ऑलरेडी हम विन कर चुके हैं, और बस उसका जो आपको प्राइज मिलना बाकी है, और उसके लिए जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और इसी के लिए अभी हम कई दिनों से जो वेट कर रहे हैं, इसमें भी कई लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं, लेकिन डोंट वेरी दोस्तों, यहां लाइफ जो आपको मिली है उसको एंजॉय कीजिए, यहां जो भी चीजें हो रही है अपडेट प्रॉपर तरीके से लीजिए, आप 100% एक विनिंग टीम का हिस्सा अगेन बोलूंगा। और ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी टीम है, जिसको हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बाय बाय एंड लव यू ऑल।